नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तिवारी सीधे अभी शालदे घाटी अपने छत से स्वागत है आपका। ब्लॉग तो क्या कहूँगा, नई वीडियो में, और ये ब्लॉग नहीं, वीडियो नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ, और जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग इससे वाकिफ़ हों। जी हाँ दोस्तों, अभी शाम का समय है, रात होने को है, तो अभी वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अभी वीडियो बनानी चाहिए करके, और आप लोगों को दिखाना चाहिए। हम कहते हैं ना कि शहरों में काले कारखाने हैं, प्रदूषण बहुत है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हो, ये काला काला जो शैतान रूपा आपको धुआं दिख रहा है, ये आप देख सकते हो पूरे आसमान में छाया हुआ है दोस्तों। अभी पूरे हमारे शालदे घाटी के आसमान में छाया हुआ है, ये क्या है, इस पर बात करना चाहता हूँ मैं। तो ये किसकी कमी है? तो आप तो गांव में हमारे जो देवतुल्य जो हमारे पहाड़ हैं, इनमें भी ये चीज़ें होने लगी है, बिल्कुल काला धुआं और ये प्रदूषण, ये सब कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये आप जो धुआं देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हम आज तक इस चीज़ को कारखानों में देखते थे शहरों में, और आज हमारे पहाड़ों में भी ये चीज़ दिखने को लग गई। काफ़ी दुख होता है दोस्तों। और अभी मैं आपको बता दूँ कि ग्राम पैठाना वहाँ आग लगी है आज, और ये आग किस में लगी है, क्या लगी है, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये देखो, ये धुएं से पता चल रहा है कि वहाँ शायद कोई लीसा फैक्ट्री है, कुछ है, वहाँ आग लगी होगी शायद, और वहाँ से निकल रहा है बिल्कुल काला धुआं, और जो पूरे आसमान में फैल चुका है। और ये देख सकते हो ऊपर दूर दूर जहाँ तक नजर जा रहा है, उधर देखो जोरासी के पहाड़ जो उधर हैं, ये पूरा फैल चुका है, पूरे इलाके में धुआँ, पूरे आसमान में दूर दूर तक ये फैल चुका है यहाँ से निकल के। तो दोस्तों यार, ये आग लगाने वाले कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। वैसे तो आजकल सारे जंगलों में दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि सब जगह आग लगी है। कल हमारे गांव कहड़गांव में भी लगी थी आग, आज उधर भी लगी थी, और ये सब प्रदूषण हो रहा है। तो अभी जो आग लगी है पैठाने में, यहाँ पर लीसा फैक्ट्री पर शायद, जो बहुत ही काला धुआं आ रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है दोस्तों, काफ़ी खतरनाक है। और हम लोग कहते हैं कि पहाड़ आइए, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा लीजिए, आबो हवा लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो दोस्तों सब बेकार है। पहाड़ों में भी ऐसे लोग, ऐसा चीज़ें देखने को मिल रही है, ऐसा काम हो रहा है, कौन कर रहा है? हम ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इंसानों ने ही आग लगाई, जिसने भी लगाई, यहाँ के रहने वालों ने ही आग लगाई, जो रैन बसेरे वाले हैं। तो काफ़ी दुख होता है दोस्तों ऐसी चीज़ें। अब देखो, मैं आपको बता दूँ कि ये जो धुआं अभी आप देख रहे हो, ये अब लगातार एक हफ्ते तक, जब तक बारिश नहीं होगी, ये आसमान पर इधर पहाड़ों में रिटते रहेगा, और यही हमारे शरीर को नुकसान पहुँच जाएगा। एक तो वैसे ही अब हर चीज़ केमिकल वाली होगी, लेकिन ऊपर से ये बादल नहीं है, आप बादल सोचे, बादल बिल्कुल नहीं है, सब ये प्रदूषण वाला धुआं है, वो भी काला खतरनाक धुआं। तो दोस्तों काफ़ी दुख होता है, हम लोग पता नहीं क्यों आग लगा लेते हैं। अगर आग कहीं पर लग गई तो लोगों में इतनी एकता नहीं रहती कि लोग मिल के बुझा दें। पहले के लोग इनको बुझा देते थे, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है लोग केवल देखते हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये मुझे तो काफ़ी दुख हो रहा है यार दोस्तों, कि ये हमारे इधर भी ये आग लग चुकी है अब। तो आप देखना, कल आपको पता चलेगा कि कितना पूरा जो हमारा आसमान होगा ना, पूरा प्रदूषण, जहरीली हवा आसमान में तैरेगी दोस्तों। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसा ही है दोस्तों, तो फिलहाल मैं उमेश तिवारी यहाँ शालदे घाटी से।